सिटी ग्रुप प्रबंधन की ओर से सोमवार को डिग्री कॉलेज धर्मशाला के सभागार में नवाचार, नई शिक्षा नीति की डिकोडिंग, स्वास्थ्य एवं कल्याण, कौशल विकास पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा युवाओं के भविष्य को संवारने में उद्योग और नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, कौशल विकास और खेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। वहीं सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सिटी ग्रुप प्रबंधन यह एक अच्छा प्रयास किया गया है, जिसमें युवाओं को आगे की शिक्षा में संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों व कॉलेजों में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने में प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा विशेष योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा को केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया था, परंतु यह दुर्भाग्य है कि अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस तैयार नहीं किया जा सका है। ये जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको सम्मानित करेंगे और अपना जो आगे का उनका कार्यक्रम है, ये उनके जो सिचुएशन है, किस प्रकार के वो रक्त जो है वो नेशन को दे रहे हैं और कौन कौन फैकल्टीज पर काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स, किस प्रकार के कोर्सेस जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, और एक अच्छा प्रयास है इंटरेक्शंस का। जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बहुत से रिसोर्स पर्सन जो हैं वो अपने और जो आगे की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उनको किस प्रकार का दिशा निर्देश आगे, क्योंकि आज आपको पता है कि विश्व ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और हमारे वक्त में सैम पटोडा जो था उसको नॉलेज कमीशन का चेयरमैन बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस वक्त कुछ हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एस्टैब्लिश किया था और उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में हमने रखे थे। हमारा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ जो मेरे वक्त में 2004 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो हमें भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी जिसके नीचे हाइस कॉलेज थे और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जिसमें आर्ट कॉलेज था, नैनो टेक्नोलॉजी का कॉलेज था, लॉ कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था। लेकिन ये हमारी विडम्बना है कि हम उस इंस्टीट्यूशंस को एक तो पोलिटिसाइज कर दिया गया और हम तक अभी तक उसका कैंपस जो तैयार नहीं कर सकते। बाकी 11 की 11 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ खुली आज उनके कैंपस जो है वो तैयार हो गए हैं और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है बहुत वहाँ पर बच्चे जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं। तो हम चाहते थे कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सलेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर में आने चाहिए। आपको बता दें कि सिटी ग्रुप प्रबंधन द्वारा इंजीनियरिंग, वास्तुकला, फार्मेसी, कंप्यूटर अनुप्रयोग, होटल प्रबंधन, एयरलाइंस, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन, फैशन डिजाइनिंग, वाणिज्य और शिक्षा में 75 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के चयन के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।